प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग वेटेड प्रोडक्ट, जो कि है रेवलॉन का वन स्टेप ड्रायर एंड स्टाइलर। ये नया प्रोडक्ट तो नहीं है, पुराना ही है। मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ट्राई करने के लिए। बहुत ज़्यादा दोस्त सजेस्ट करते थे मुझे, जब देखते थे कि मैं मेरे बालों को कैसे स्टाइल करती हूँ, कि इसे यूज़ करूँ तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, मेरे बालों की स्टाइलिंग 15 मिनट्स तक हो सकती है। बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको लेने के लिए। और इसको मैंने खरीदा है मेरे बर्थडे पे। अगर आपने मेरे बर्थडे का व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से देख लें। सो यस, इसका रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिनके बाल फ्रिजी, कर्ली या वेवी हैं, कि उन पे ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको हेल्प करेगा। सो अगर आप जाना चाहते हैं मेरे विचार एंड मैं ये यूज़ करके बताऊंगी मेरे बालों पे, सो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। पर देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आप मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को मिस नहीं करेंगे। और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर ले। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस रिव्यू वीडियो के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ माई हेयर, द काइंड ऑफ वेट राइट नाउ, बट इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि आप इसको ड्राई कर सकते हैं। सो वैसे तो मैं अगर इसको नहीं यूज़ करती हूँ और रेगुलर ब्लो ड्रायर को यूज़ करती हूँ, तो मैं वेट करती हूँ मेरे बालों को 70-80% ड्राई होने के लिए। वैसे अब भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, 30-40% ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसको यूज़ करेंगे, पर पहले मैं स्प्रे करूँगी मेरे बालों पर। जो स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मैट्रिक्स की टर्बो ड्रायर। इससे क्या होता है, बाल थोड़े स्मूथ फील होता है मुझे लगता है, तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करेंगे और बालों को ब्रश कर लेते हैं सबसे पहले। जिनके बाल कर्ली होते हैं उनको वेट बाल ब्रश करना सबसे ज़्यादा आसान लगता है। सो हम नीचे से शुरू करेंगे और इसी तरह सारे बालों को ब्रश कर लेंगे। ऐसे आपको गीले बालों को ब्रश करना नहीं चाहिए, क्योंकि गीले बाल जो होते हैं बहुत वीक होते हैं और ज़्यादा टूटते हैं। पर क्या करें, फॉर द वीडियो पर्पज़ मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं मेरे बालों को ड्राई होने के बाद ही ब्रश करती हूँ। तो दिस साइड इज़ डन, गोना डू इज़ दिस साइड। सो बाल हो चुके हैं ब्रश और बालों को हम करेंगे सेक्शन में डिवाइड, अप एंड डाउन। सो ऊपर वाले बालों को हम बन बना लेंगे। सो अराउंड इतने बाल लूँगी मैं और ड्राई करना शुरू करेंगे। और ये मेरा पहला टाइम नहीं है ड्राई करने का, मैंने पहले भी किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा, क्योंकि काफ़ी आसान हो जाता है। अदरवाइज़ आप ब्रश को होल्ड करो, ड्रायर को करो, सो इसी में हो जाता है, तो दैट्स गुड। सो इसे मैं करूँगी हाई और हम ड्राई करना शुरू करेंगे। सो इसकी आवाज़ भी दूसरे ड्रायर से कम है। यस, अराउंड 30 सेकेंड लगे हैं इतने बालों को करने के लिए। वो ड्राई भी हो गए और काइंड ऑफ स्ट्रेट भी हो गए। अगर आपको ऐसे किस्म के बाल अच्छे लगते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऐसे करने के बाद उसको स्टाइल कर सकते हैं स्ट्रेटनर से, कलर से, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। पर बहुत सारे दोस्तों के बाल ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं तो कुछ इस तरह के लग रहे हैं, कर्ली बाल ऐसा लग रहा है। सो इसी तरह हम बाकी बालों को भी करते रहेंगे। ज़्यादा बड़े हिस्से नहीं लेंगे, क्योंकि बाल गीले हैं तो छोटे छोटे ही लेंगे हम लोग। एक हिस्सा हमारा हो चुका है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके साथ जब मैं मेरे बालों को ड्राई कर रही हूँ और मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ फील हो रहे हैं। ये बहुत सारे दोस्तों का कंसर्न है कि जब वो अपने बालों को ड्राई करते हैं, स्पेशली जिनके बाल वेवी एंड कर्ली हैं, तो उनके बाल जो बहुत रफ़ एंड फ्लफ़ी से लगते हैं, पर इससे आपके बाल बहुत सॉफ्ट फील हो रहे हैं। सो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसी तरह मैं बचे हुए बालों को भी कर लेती हूँ।
सो यस, इस तरह के लग रहे हैं मेरे बाल। आई एम नॉट श्योर अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं, पर मेरे बालों में थोड़ी सी शाइन है। पर यस, मेरे बाल फ्लफी हैं, जो फिनिश मुझे अच्छी नहीं लगती। To pretend, but I don't know this ghost of a friend I once had. I want you back. I never thought that I could crumble like this, but I've been searching for the words to tell you how I'm breaking down. 'Cause ऑलराइट दोस्तों, गर्मी से बुरे हाल हो चुके हैं और मैंने मेरे सारे बालों को ड्राई कर लिया है। आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे बाल ड्राई एंड स्टाइल करके कैसे लग रहे हैं। सो दे लुकिंग लाइक दिस। ओके, मेरे बाल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे मैं मेरे बालों को ड्रायर के साथ ड्राई करती हूँ, पर यह है कि वो थोड़ा सा इससे मुश्किल है क्योंकि दो चीज़ें आपको एक ही समय पे होल्ड करनी पड़ती हैं, पर रिज़ल्ट बिल्कुल सेम है। सो मुझे ये काफ़ी कन्वीनियंट लगा, आसान लगा यूज़ करने के लिए, मेरे बालों को ड्राई करने के लिए। पर क्या ये मेरे बालों को स्टाइल भी कर देता है? नो, मैंने इसको पहले भी कितनी बार ट्राई किया, कितने तरीके से कर्ल करने की कोशिश की, पर मेरे बालों की जो फिनिश है वो ऐसी आती है जो फिनिश मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। सो अच्छा है कि इसको मैं ड्राई करूँ इसके साथ और देन मैं मेरे बालों को स्टाइल करने के लिए कर्लर यूज़ करूँ या स्ट्रेटनर, जो भी मुझे अच्छा लगता है। पर या इससे मेरी लाइफ बहुत आसान हुई है क्योंकि मुझे दो चीज़ें होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बाल बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अगर आप रेगुलर ड्रायर यूज़ करते हो तो इतनी जल्दी मेरे बाल ड्राई नहीं होते क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एंड हैवी किस्म के हैं। सो काफ़ी समय लग जाता है ड्राई करने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा हीट यूज़ होती है। इसके साथ मेरे बालों को, गीले बालों को ड्राई करने में सिर्फ 10 से 12 मिनट लगे हैं और जिससे मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या अकेले ये ही मेरे बालों को स्टाइल कर देगा? नहीं, बट यस, अगर आपके बाल काइंड ऑफ स्ट्रेट हैं या सिल्की स्मूथ है तो उसके लिए ये परफेक्ट होगा। पर बिकॉज मेरे बाल कर्ली वेवी एंड फ्रिजी किस्म के हैं, सो मेरे बाल कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। और अब मैं मेरे बालों को रेगुलर तरीके के साथ स्टाइल करूँगी और आपके साथ वापस आती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं मेरे बालों को वेव कैसे करती हूँ, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप देख सकते हैं। पर मैं आपके साथ स्टाइल करने के बाद बातचीत करती हूँ। सो आई विल बी बैक। सो मैं वापस आ चुकी हूँ मेरे बालों को रेगुलर तरीके के साथ स्टाइल करने के बाद। पर फिर भी मुझे मेरे बाल ना, जब मैं नॉर्मल तरीके से स्ट्रेट करती हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा फ्लफी किस्म के लग रहे हैं, जो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है। पर ये ज़रूर है कि उसको यूज़ करने के साथ आपके बालों को ड्राई करने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसके बिना और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं यूजली ऐसी चीज़ों में स्पेंड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इतना अच्छा काम नहीं करेगा। जो ट्रेडिशनल वे है उसी के साथ मैं जाती हूँ। पर इस बार मैंने सोचा कि यार, दो चीज़ें पकड़नी पड़ती है, मेरे हाथ भी इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, काफ़ी दर्द हो जाता है कई बार होल्ड करके। सो इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। पर अगर आपके बाल सीधे हैं, मेरी तरह फिजी किस्म के नहीं है, तो शायद ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। मेरे लिए भी अच्छा ही है, मैं इसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि इसके साथ मेरा बालों को ड्राई करना मुझे काफ़ी आसान लगा है। पर आपने मेरे बालों की फिनिश देखी कि कैसी होती है, वो फिनिश मेरे लिए सिर्फ इनफ नहीं है। पर या सो यही है मेरे विचार इस प्रोडक्ट के बारे में। आई होप आपने इस रिव्यू वीडियो को इन्जॉय किया होगा और डेमो को देखा होगा कि कैसे ये मेरे बालों पर काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप किसी और चीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बार में ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीज़। बाय।